नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सुराज, इस खबर को आपको दिखाना जरूरी है और समाज से जुड़ी है और संबंधित है रसूलपुर कोयली पंचायत से, क्योंकि नानपुर प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में है। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी अभी यहाँ पंचायत चुनाव सम्पन्न हुआ है और इसमें कई सारे प्रत्याशी को जीत मिली है और कई लोगों को हार का भी सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ जो मौजूद हैं, ये एक अलग ही मामला है। मैं इसीलिए कहूँगा क्योंकि ये जो मामला है ये चुनाव के परिणाम से संबंधित है। ये हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश मलिक जी। आप इनको मैंने पहले भी इनसे रूबरू कराया है, इन्हें अपनी बात रखी थी समाज की बेहतरी के लिए, और आज चुनाव में जो परिणाम आया है उसको लेकर ये अपनी बात रखना चाहते हैं। कई सारे मुद्दे जो ये इन्होंने अभी हमारे से बात की, तो हमने कहा कि आप दर्शकों को सीधे सीधे आप अपनी बात को बताएं, चूँकि हमारे दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो और आप लोगों की मदद से कुछ और निदान निकले या कोई बेहतरी जो बात सामने है वो आ जाए, इसको लेकर हम लोग बात रखने वाले हैं। मैं बता दूँ, ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, न ये आरोप है न प्रत्यारोप है, यह एक अपनी वास्तविकता से आपको अवगत करा रहे हैं और हम आशा रखते हैं कि आप भी अपने स्तर से जो वास्तविक जानकारी हो या जो भी कुछ आप लोगों को मदद कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताएँ कि इन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुरेश जी, क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं, क्या समस्या हुआ, क्या किस तरह से ये आप बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताएँ। देखिए, हमारी पत्नी यहाँ, मेरा नाम सुरेश मल्लिक, ग्राम पंचायत राज रसूल गंजपुर कोयली, थाना नानपुर, प्रखंड नानपुर, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूँ। मेरे पंचायत में इस बार रिजर्वेशन सीट था, यहाँ रिजर्वेशन सीट से हमारी पत्नी गुलिया देवी पंचायत चुनाव लड़ी। 29/9/2021 को मतदान हुआ, बहुत सारे जनताओं का, समर्थकों का समर्थन मिला, साथ मिला और 100% जताई जा रही थी कि इस बार कोयली के मुखिया गुलिया देवी बनेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ 1/10/2021 को SIT सीतामढ़ी में मतगणना का काम हुआ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मतगणना के लिए हम लोग आवेदन दिए थे, जिसमें प्रखंड मुख्यालय से कहा गया था कि एक मुखिया उम्मीदवार को एक ही मतगणना कर्मी रखना है, इसलिए हम लोग एक ही को आवेदन दिए थे और एक स्वीकृत हुआ। इसके आलोक में जब हम लोग मतगणना में गए, मतगणना हॉल के अंदर देखा कि हर जगह का अलग अलग व्यवस्था था, मुखिया का अलग था, वार्ड मेंबर का अलग था, पंचायत समिति का अलग था और जिला परिषद का अलग था। जब हम लोगों का कोयली पंचायत की बारी आई तो हमने देखा कि उसके तरफ से 15-16 के तादाद में मतगणना कर्मी मौजूद थे। हमारे पास मात्र दो थे, एक मैं था, एक मुखिया प्रत्याशी और एक हमारे मतगणना कर्मी थे। एक ही बार में क्या हुआ कि पूरे बूथ का, यानी 16 टेबल पर एक बार में सारा EVM को खोल दिया गया, हम लोगों को देखने का मौका नहीं मिला, जाली लगी थी, बहुत सारे भीड़ भी थे, दो जगह को ही हम लोग टेकअप कर पाए। वही हम लोगों को लिखाया गया जो मतदान कर्मी उसमें उपलब्ध मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अमुक प्रत्याशी को इतना इतना मिला है, काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग के दरमियान हमारा जो है सो सोच जो था वो विफल हो गया। मैंने देखा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, वोट जनता ने मुझे दी है और आप लोग कैसे लिखा रहे हैं। इसी बीच में हु हल्ला होने लगा, वो विपक्षी के लोग बहुत सारे मौजूद थे वहाँ पर, मुझे बताया गया कि आप चुनाव हार गए। मैं नर्वस हो गया, फिर मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैं कर्मी लोगों से पूछा और कहा कि भाई क्या हो रहा है, तो नहीं आप रुकिए सो आपकी जीत होगी। फिर इसके बाद सुनने में आया, हल्ला हो रहा था लेकिन कह रहा था बिरार पंचायत के मुखिया का जीत हुआ था, वहाँ से भी बैगन छाप था, वही हमको सुनाई दिया और सारे लोगों का कहना हुआ कि आप चुनाव हार गए हैं। इसके बाद मैं क्या हुआ कि विफल होकर के मैं वहाँ से थक हार करके नर्वस होने के कारण मैं वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद जब मैं गांव पे आया तो पता चला कि ऐसे ऐसे आपका अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि कोयली पंचायत से गुलिया देवी चुनाव जीती है। फिर मैं कहा कि मैं BDO साहब से मिलूंगा, अगर जीती है तो फिर मैं वहाँ गया, लेकिन तब तक वहाँ सारा कुछ नज़ारा बंद हो चुका था। कल सुबह होकर के 2 तारीख को जब हमारे शुभचिंतक लोग, हमारे समर्थक लोगों ने पेपर को देखा तो दैनिक जागरण और प्रभात खबर में खबर छपी थी कि कोयली पंचायत से गुलिया देवी को विजय घोषित किया गया है। फिर मुझे उमंग आया और मेरे समर्थकों के साथ मुझे वो जुनून जगा। फिर मैं वो अखबार लेकर के जब मैं BDO साहब के यहाँ गया कि BDO साहब जीत हमारी हुई है, हमको सर्टिफिकेट दीजिए, तो BDO साहब ने कहा कि नहीं नहीं आप चुनाव हार गए हैं, सो पेपर में लिख दिया है तो क्या हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर हम कहे कि भाई अगर चुनाव नहीं जीते हैं तो फिर अखबार वालों ने क्यों छापा।
एक अखबार गलत छपता है, दूसरा अखबार तो गलत नहीं छापता है। यहाँ प्रभात खबर में भी है, दैनिक भास्कर में भी है और दैनिक जागरण में भी है। फिर वहाँ से मुझे डांट करके भगा दिए, कहे कि आपको जहाँ जाना है जाइए, हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। इसके बाद मैं थक हार के चुनाव आयोग के यहाँ गया, चुनाव आयोग को मैं लिखित आवेदन दिया, लिखित आवेदन DM को दिया, लेकिन आवेदन BDO को भी दिया कि भाई इस तरह की हमारे साथ हेरा फेरी मतगणना में हुई है, दोबारा काउंटिंग करा दिया जाए तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के यहाँ मैंने आवेदन दिया, DM से भी मिला, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। DM साहब भी बोले कि आप कोर्ट जाइए, अब ये मामला कोर्ट का है। फिर मैं थक हार करके कोर्ट जाने के लिए मैं वरीय वकील से मिला तो उनका कहना हुआ कि अब कोर्ट में जाने के लिए आपको नकल की आवश्यकता होगी। फिर नकल के लिए मैंने चिरकुट अप्लाई किया, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी हमको बोले कि हम आपको नकल नहीं देंगे। हम कहे क्यों नहीं देंगे भाई, मुझे सक्षम न्यायालय में इस मतगणना के संबंध में चुनौती देना है। उन्होंने कहा कि नहीं देंगे। फिर मैं क्या किया, फिर मैं सारे जगहों पर अनशन पर बैठने का निर्णय लिया और DM, SP, DSP, SDO, थाना और ब्लॉक को मैं आवेदन दिया कि अगर मेरे साथ कोई अगर सही समय पर नकल नहीं दिया जाता है तो हम अपने समर्थकों के साथ COVID-19 का ख्याल रखते हुए हम अपने समर्थकों के साथ धरना पर बैठेंगे अनिश्चितकालीन। इसके बाद BDO साहब 10 दिनों के बाद अपने कर्मी के द्वारा मुझे नकल दिया, जिसमें 3 ही नकल दिया। मैंने मांग किया था बूथ वाइज रिजल्ट शीट, विनर सर्टिफिकेट, इसके बाद मांग किया था प्रोजाइडिंग ऑफिसर का डायरी, बैलेट पेपर अकाउंट, पेपर सील अकाउंट और विनर सर्टिफिकेट और विनर का जो है सो नॉमिनेशन फॉर्म। इसके बाद मुझे 3 ही चीज़ मिला, रिजल्ट शीट, मुखिया का सर्टिफिकेट और मुखिया का नॉमिनेशन फॉर्म। उसके आधार पर हमने ये जो है सो गए हैं कोर्ट, ये कोर्ट का है और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये दैनिक जागरण है जिसमें छपा हुआ है कि गुलिया देवी विजय हुआ है और ये है आपको मुखिया का रिजल्ट शीट, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये है सर्टिफिकेट और ये है आपको जो 16 वार्ड से हमने निकाला है, जो हर वार्ड का है, ये हर वार्ड का लिस्ट है जिसमें विनर सर्टिफिकेट का लिस्ट है। इसका मिलान करने पर ऐसा प्रतीत होता है के 5053 पुरता है मतगणना, जितना मतगणना हुआ उसका 5053 है। और ये जो हमें BDO के द्वारा दिया गया है, ये है रिजल्ट शीट मुखिया का, इसमें 5233 हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोयली पंचायत के मतगणना में भारी हेरा फेरी हुई है। अब ये साबित करे इलेक्शन कमीशन के मुखिया का रिजल्ट शीट सही है या वार्ड मेंबर का रिजल्ट शीट सही है। सुरेश जी, हम आपके पास फिर से हम बात करते हैं। देखिए, दर्शकों ने सुना इनकी अपनी वेदना जो इन्होंने अपनी भाषा में आपके सामने रख दी है। मैं भी ये बात सारी जानकारी आपके सामने सीधे सीधे पहुंचा दिया हूं, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप भी हमारे दर्शकों में सभी जो लोग अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि उन बातों को समझते हैं जानते हैं, वो भी अपना कमेंट जरूर करें कि इनको क्या करना चाहिए। एक बात और बताइए, जैसे आपने पहली बात बताई कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जुट गई और आपके जो पोलिंग एजेंट थे, जो जो आपके वहाँ पर एजेंट बनकर गए थे मतगणना अभिकर्ता, वो कम थे, तो इन सब चीज़ों को तो वीडियो में फुटेज वहाँ सब कुछ CCTV रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो इसकी जानकारी आपने नहीं वहाँ पर लेने के बजाय? हमने नहीं देखा कि वहाँ पर कोई वीडियो कैमरा लगा था, उनके सारे लोग मौजूद हो गए। ऐसा भी देखने में आया कि वहाँ पर उनके जो कर्मी थे वहीं पर वो मतगणना कर्मी की बहाली कर रहे थे और हम लोगों के कर्मी को यहाँ कहा गया कि मात्र एक ही मतगणना कर्मी रहेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम लोग एक ही बनाए। हम लोग जो इलेक्शन कमीशन का जो रूल था उसको मैं अपना सम्मानजनक जो सम्मान चाहिए उस दरमियान हम लोगों ने काम किया जी। अच्छा, इसको लेकर जो आपने आपके साथ जो समस्या हुआ है, तो वहाँ पर के कुछ लोग रहे होंगे जो आप ही के गांव से बहुत सारे लोग गए होंगे ना, जो चुनाव में कई कैंडिडेट खड़े थे वहाँ पर, उन लोगों के यहाँ पर कोई गवाही में आप लोगों को दिखा रहा है कि हाँ ये जो लोग ने भी सुना है कि वहाँ आप जीत गए थे? नहीं, ऐसा तो हम तो निकल गए। इसके बाद बहुत सारे लोग बाद में बतलाया हमको कि आपकी जीत है, आपकी जीत है, आप चले आए, आपकी घोषणा हो रही थी, माइक से लाउड स्पीकर से प्रचार किया जा रहा था। इसके बाद मैं कल होकर के जब वहां गया तो वहां पर जो बाहर में दुकान है जहां पर जिस गांव में हो रहा था, गोसाईपुर नाम है उसका, गोसाईपुर के बहुत सारे लोग गवाही देने को तैयार है कि हम लोग भी अपने कानों से सुन रहे थे कि कोयली पंचायत की मुखिया गोलिया देवी विजयी हुई है, इसलिए आपके इस काउंटिंग में बहुत हेरा फेरी हुआ है, आप ऊपर तक जाओ। और तीसरा जो आपने बात बताया कि जो वार्ड सदस्य के जो काउंटिंग हुई, मतलब जो गिनती है, जो वोटों की गिनती है, वो
और मुखिया के वोटों की जो गिनती है वो उसमें अंतर आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा है? जी सर, 180 वोटों की अंतर आ रहा है, मुखिया का 5233 हो रहा है और वार्ड मेंबरों की जो गणना है उसमें 5053 आ रहा है, इससे 180 वोटों का अंतर दिख रहा है सर। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, यहाँ जो बातें सामने आ रही है उसमें ये है कि इन्होंने जो आरोप लगाया है कि सब जो भी वहाँ पर काउंटिंग एजेंट रहे हैं, जो भी लोग वहाँ पर काउंट कर रहे थे वोट को, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। लेकिन देखिए, ये बातें मैं गड़बड़ी को लेकर नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि गड़बड़ी जो हुई है उसको लेकर इन्होंने एक और जो आवेदन दिया है जो सक्षम न्यायालय में, वो न्यायालय का फैसला आने वाला है और इसको हम लोग जरूर आगे इसको फॉलोअप लेंगे और दर्शकों को हम दिखाएंगे इस न्यायालय का फैसला क्या आता है, वास्तविकता क्या है। और हम ये आशा रखेंगे कि आप दर्शक भी जो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपना सुझाव दें और इनको जो भी लगे कि इनको ऐसा कुछ करना चाहिए तो वो जब आप हमारे कमेंट में लिखेंगे तो इनसे संपर्क करना आपको बताएंगे। आखिरी में हम ये कहना चाहेंगे कि अभी की परिस्थिति के अनुसार जो आपको हार मिली है इसको लेकर और अभी जो आप कोर्ट में गए हैं, हमारे दर्शकों के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जिससे कि आपको न्याय मिल सके और आपका जो डिसीजन है उसको आप मान पाए? जी सर, कोर्ट का जो निर्णय होगा मुझे मान्य होगा, पर मैं ऐसा आशा और उम्मीद करता हूँ कि इसकी जीत जो होगी और जो कोर्ट से आएगा वो मेरे पक्ष में ही होगा, ऐसा मेरे साथ नहीं है सर। बिहार में हर जगह का ये व्यवस्था है और हर जगह का मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो या सरपंच के कैंडिडेट हो, हर जगह जिनको वोट मिला है उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जिनको वोट नहीं मिला है उसे सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जनता में भी हरास है और आपको जो है सो प्रत्याशी में भी हरास है, ऐसा देखा जा रहा है। इसको लेकर हम लोग आगे भी बात करेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं कि इसको लेकर जो संबंधित अधिकारी पदाधिकारी उनसे भी चौपाल की टीम संपर्क करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उससे बात नहीं हो पाई है। हम आशा रखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं वो जरूर चौपाल से संपर्क कर अपना भी पक्ष रखने का प्रयास करें। हम लोग भी आपसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बातें जो समाज की है वो मैंने आपके सामने रख दी है और सीधे सुरेश जी के माध्यम से कोर्ट में न्यायालय में मामला है और इसका निदान निकलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। सुरेश जी, मैं आपको धन्यवाद देने के साथ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में, चूँकि न्यायालय और जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बेहतरी बात आएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और आखिरी में हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशानी से भी जूझते रहते हैं, तो न्यायालय पर भरोसा रखने के लिए आप क्या कुछ संदेश देंगे जिससे कि लोग में विश्वास बना रहे कि हाँ न्याय मिलेगा? देखिए सर, अगर सत्य है तो सत्य की जीत निश्चित है, लोगों को घबराना नहीं चाहिए। जो लोग भी हमारे जैसे सक्षम न्यायालय में शरण में गए हैं एकदम उनकी जीत पक्की होगी, न्याय पर भरोसा रखना चाहिए और मुझे आशा उम्मीद है कि उनको विजय निश्चित मिलेगा और मुझे भी उम्मीद है कि मुझे भी विजय अवश्य मिलेगी। इसलिए हमारे जनता से अपील है कि वो घबराए नहीं, उन्होंने जो मुझे मत दिया है उनकी समस्या का निदान कोर्ट में चला गया है, जनताओं के मत का मुझे विश्वास है कि उनको विजय और फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने भी कहा है कि न्यायालय पर इन्हें भरोसा है और जो भी जनता, जो भी यहाँ के लोग हैं, जो भी इनको समर्थन दे रहे हैं, उन लोगों को भी ढाढ़स बांधते हुए, मतलब कि अपने संतुलन के साथ आगे कोर्ट न्यायालय के प्रक्रिया का इंतजार करना है, फाइनल डिसीजन आएगा वही सर्वमान्य होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद चौपाल, समाचार के लिए धन्यवाद।